भारत के बच्चे बच्चे होना जरूरी है कि जो भोकाल मचाने के लिए जो बोला था कि बिहार में घेर लेंगे वो हम देखने चाहे कि कहा कृष्ण शास्त्री महाराज की कृष्ण शास्त्री महाराज की हम लोग इसीलिए हम लोग इस भीड़ में आ रहे हैं कि आपको हम पैसा अपना देना चाहते हैं त्रिभुवन की रक्षा करने हम लोग वही जगह से है हम लोग उसी जगह से है भैया जी आप लोग कुछ दो तीन महीना पूर्व में देखे होंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया ऐसा धर्म की सनातन धर्म की समाज की बैनर और उसमें झंडा लगाने वाले हम लोग ही है परचम लहराने देखिए रावण भी राम का भी विरोध किया था जी और रावण सारा चीज हुए रावण ने जो बोले अपने नाना को बोले तो संवाद में कि नाना जी सोने के लंका मेरे पास है कुंभकर्ण जैसा भाई मेरे पास है और मेरा पुत्र जो है मेघनाथ जैसा ऐसा चक्रवर्ती श्रोमणि वो पुत्र हमारे पास है हम अहंकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा नाना को भी बात करके युद्ध भूमि में राम से युद्ध कर लिए उसका परिणाम क्या हुआ उसके कुल का विनाश हो गया जी। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी जो लालू प्रसाद का बेटा इस प्रकार की जो बातें बोले है उनका भी घड़ी आ गया है विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि उनका काल का घड़ी आ चुका है उनका विनाश का घड़ी आ गया है और बिहार की जनता इसको जवाब दे। नमस्कार दोस्तों मैं रजत कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया इस वक्त उसी पावन धरती पे मौजूद है जहाँ पे आज के दिन आज भव्य तरीका से 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होने वाला है और महाराज जी आज हमारे पावन धरती पे पटना के नौबतपुर में महाराज जी पधार चुके हैं उसके उपलक्ष में बिहार के साथ साथ भारत के अनेक कोने से कई ऐसे जो हनुमत भक्त है जो यहाँ पे पधारे। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार राय। आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से मदारपुर। इतना दूरी से आप यहाँ पर आ गए, आपको कैसे जानकारी मिला कि बाबा जी यहाँ पर आने वाले हैं? सबसे पहले तो हनुमान जी के हम बहुत बड़े भक्त हैं जी और उनके भक्त होने के नाते जहाँ कहीं भी इनका कथा होता है तो हम विराजमान होते हैं उनको सुनने के लिए जी। और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमने सुना कि धर्मेंद्र शास्त्री जी के सम्मान में कहीं एक बिहार का लाल नजायज किसी का औलाद है वो रोकने की बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि बिहार में वही लाल है बहुत सारा लाल है तो हम लोग भी आए उनके समर्थन में और हवाई अड्डा पे ही पहुंचे हैं। जो न्यूज मीडिया पर बोलते थे कि हम उसके घेराव कर देंगे दूर दूर तक नजर भी नहीं आए और वो कोने के सेना और एक दल बनाया उनके वो भी भगवान उनके भक्त हो गए बागेश्वर धाम सरकार के विरोधी भी भक्त हो गए ऐसा हमको देखने को मिला उनके ऐसे लीला हनुमान जी के भक्त का उनके जो ध्वन साथी जी विराजमान हुए हैं तो वहां देखने को मिला कि विरोधी भी उनके नतमस्तक हो हिंदू समाज जो है बुद्धिजीवी समाज है वह किसी के बहकावे में किसी के काबा कह के काबावे में नहीं आ सकता जो भगवान के भक्त है प्रभु श्री राम के भक्त है वो समझते हैं कि हमारे धर्म के आस्था पर कौन सम्मान कर रहा है धर्मेंद्र शास्त्री जी हनुमान जी की कथा करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं और बिहार में आए हैं तो कहीं ना कहीं राममय हो गए आज देख सकते आप पूरा राममय है या पूरा जग पूरा पंडाल राममय है तो किसी का विरोध यहाँ पर कोई प्रभावी नहीं दिख रहा है विरोधी भी लास्ट दिन अपनी नतमस्तक होकर आ जाएंगे। अच्छा जो भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं उसको क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसको जवाब बिहार की जो जनता देगी आगे आने वाले समय में। देखिए हम लोग बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी तो बताते ही है सभी लोगों को और हम लोग स्वयं खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बल पीरा वहाँ सब वहाँ के सभी लोग हनुमान जी को सुमरने वाले हैं जब संकट कटे मिटे सब पीरा पीरा कर कुछ दे कौन रहे हैं तो जो दे रहे हैं उनका हार लिया जाएगा उनका हो जाएगा व्यवस्था और हनुमान जी के भक्त हनुमान जी के जो साधक है जो उनका विरोध करता हनुमान जी उनका कल्याण कर लेते हैं। जो भी श्रद्धालु और भारत के अनेक कोने से यहाँ पर आने वाले हैं और बहुत सारे श्रद्धालु दो दिन तीन दिन पहले आ गए उसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए भगवान के प्रति इन लोगों की में आस्था है राम के प्रति भारतवर्ष में पूरे विश्व में
जो भगवान के प्रति आस्था है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वह पटना के नौबतपुर में भगवान के भक्तों का जो देखने को मिला, और ये बहुत अभी तो कुछ नहीं है, ये दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। पूरा राम में पूरा बिहार हो गया, और बागेश्वर धाम सरकार से नेत्रगंगावासी बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन के पात्र हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को इस बिहार में दिए, इस बिहार के पावन धरती पे दिए, और मिथिला के वासी उनको बहुत सारे रोज से अभिनंदन कर रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं।